लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइसोटोप। द स्पीसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर जो मास नंबर है वो अलग हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, उनको हम एटॉमिक उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। जैसे कोई भी एलिमेंट है E, उसका एटॉमिक नंबर होता है Z से नोट करते हैं और उसका मास नंबर A से। तो कोई भी जो स्पीसीज हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग हो उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल हाइड्रोजन 1 2, इसका दूसरा आइसोटोप हाइड्रोजन 1 1 1 2 और जो आपका 1 3, ये ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। इनमें आप देखोगे जेड की वैल्यू क्या है, सेम है, कोण अलग हो गया है, आपका मास नंबर जो ए है वो होता क्या इसके बराबर है, ए होता नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जेड क्या होता है, जेड होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। इन सभी में प्रोटॉन तो सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो आइसोटोप किसकी वजह से राइजेज होते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अलग अलग है इनके अंदर। जैसे मैं बात करूँ इन्हें की, जैसे कार्बन की बात करूँ, कार्बन C12 एंड कार्बन C6 14। अब इसके अंदर प्रोटॉन पूछेगा कोई, इसका भी 6 होगा और इसका भी 6 होगा। इसके अंदर आपसे न्यूट्रॉन पूछ ले, देखिए ये जो है ना, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम है, कितना है 12। अब इसमें से 6 तो प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन कितने बच गए, माइनस कर दो इसको नीचे वाले नंबर को 14, ये 6 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 8। देखो प्रोटॉन अलग, न्यूट्रॉन अलग अलग है, प्रोटॉन क्या है, सेम है। तो ये आपके क्या हैं, दोनों आइसोटोप, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक मास में डिफरेंट मास नंबर, ये हम बोलते हैं, ये आपका आइसोटोप। ठीक, नेक्स्ट जो है आइसोबार। आइसोबार किसको बोलते हैं, आइसोबार हैविंग सेम ए बट डिफरेंट जेड। आइसोबार हैविंग सेम ए बट डिफरेंट जेड, हैविंग जो होगा आइसोबार, तो लिख लें द स्पीसीज विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कार्बन C6 14 एंड नाइट्रोजन 7 14, कोई पूछे ये क्या है, 6 एंड 7 डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर, क्या हो जाएगा ये, ये आपका आइसोबार है। तो आपको ऑप्शन देके पूछेगा कौन सा आइसोबार है, कौन सा आइसोटोप है, ये आपको देखना आना चाहिए। प्रोटॉन कैसे निकालोगे इनमें, इसका 6 है, इसका 7 है। इसके अंदर न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन इसके अंदर 14 है तो ये 6 को माइनस कर दो 8, 14 में 7 कितना आ जाएगा 7। आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग थे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग अलग है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग अलग है, ये आपका आइसोबार हो गया। नेक्स्ट है लिखें आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जिसे नाम से पता चल रहा है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लिखिए हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस आपका इलेक्ट्रॉन सेम होगा। कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ये आ जाए H11, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। पूरी दुनिया में जो चार्ज होता है, किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन का हम रिलेटिव चार्ज मान लेते हैं कितना, -1, कितना मानते हैं -1। तो यदि इलेक्ट्रॉन आ जाएगा किसी के अंदर तो उस पर -1 चार्ज आ जाएगा, किसी में से एक इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा तो उस पर +1 आ जाएगा। सबसे पहले चार्ज देखना होता है,
जो एक इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज होता है वन इलेक्ट्रॉन पे, वो माइनस वन लिया जाता है। वन जो प्रोटॉन होता है उस पे भी इसके बराबर लिया जाता है, चार्ज साइन अलग है। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या लिया जाता है, जीरो। ये फंडामेंटली चीज़ें हैं, नहीं भी पता तो आप सीख जाएंगे। अब देखें इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ऊपर देखोगे तुम, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका चार्ज नहीं है, इसका मतलब जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कितना है इसके अंदर, वन। अब देखें इसके अंदर प्रोटॉन बताओगे तो कितना है, वन। न्यूट्रॉन बताइए, न्यूट्रॉन कितना है, इसमें से ये माइनस कर देते हैं तो क्या जाता है, न्यूट्रॉन, जीरो, कोई न्यूट्रॉन नहीं इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, कितने इलेक्ट्रॉन है, चार्ज नहीं है, तो जितना ये होता है प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, क्यों चार्ज नहीं है, इसका चार्ज जीरो है। कब हो सकता है, जितना ये रहा होगा उतना ये रहा होगा, सेम, कितना रहा है, वन। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जैसे मैं बात करूं Na प्लस वन, यहाँ पे 23, यहाँ पे 11, ये है। अब इसके अंदर देखिए प्लस वन चार्ज है। आपको हम बता दूं जो ट्रांसफ़र होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी एटम के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आया है तो वो इलेक्ट्रॉन आ सकता, किसी आइटम में से कोई चार्ज पार्टिकल बाहर गया तो वो इलेक्ट्रॉन गया होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन अपनी जगह से नहीं हिल सकता, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, ठीक, ये है। अब इसके अंदर कोई पूछे प्रोटॉन बताओ, सबसे पहले तो प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन 23 में से ये 11 हटा 12 है इलेक्ट्रॉन। आपके पास देखो इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस वन, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, बाहर चला गया, ठीक है, 11 प्रोटॉन थे, एक चला गया तो कितना बचा, 10। भाई ये आपको पॉजिटिव चार्ज देगा, इसके अंदर प्लस 11 है और माइनस 10 है, तभी तो ये ऊपर आया होगा प्लस 1। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ध्यान देना कि प्लस आ गया उसका मतलब इलेक्ट्रॉन भाग गया उसमें से, माइनस आ गया उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक। जैसे देख एक दो और इलेक्ट्रॉन निकालना देखते हैं कैसे होगा, जैसे ऑक्सीजन 2 - 8 and 16, इसके अंदर प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन, ये जो 8 लिखा है वो प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितना है, 16 - 8, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 - का मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अंदर आए हुए हैं, दो आए हुए हैं, 8 पहले थे, दो और आगे तो कितना हो गया, 10, ये है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन 7, 14, 3 - कितना प्रोटॉन है, ये दिख रहा 7। न्यूट्रॉन कितना होगा, 14 में से माइनस कर दो, 3 - का मतलब इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं कितने, 3, 7 पहले थे, 3 और ऐड किया 10 हो गया, ठीक। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन निकालना हो या प्रोटॉन निकालना हो। अब हम वापस आते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे ये दोनों क्या है, यहाँ से मैं आपको बताऊँ, ये दोनों जो हैं वो आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, दोनों क्या है आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक। कैसे पता चला, हमने इलेक्ट्रॉन निकाल के देखा, आप इलेक्ट्रॉन निकाल के देखोगे वैसे आइडिया नहीं मारोगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन स्पीसीज। आपको आयन दिए हुए हैं, इसका हम निकालेंगे, सबसे पहले देखो प्रोटॉन निकाल देते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों ही निकाल देते हैं हम इसके अंदर। कितना प्रोटॉन रहा होगा, 11, इसमें कितना रहा होगा, 12, इसमें 13, इसमें 9। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो आपको चार्ज नहीं देखना, सीधा यहाँ से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 12, इसमें 12, इसमें 14, इसमें 10। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज देखो, पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बाहर भाग गया, 11 में से 1 गया, 10 बच गया, 12, दो इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, 10, 13, तीन इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, 10, 9, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया। दे ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, दे ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये सारे के सारे आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो ये था आइसोइलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट जो हम लिखेंगे वो है आइसोटोन, 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 द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कोल्ड आइसोटोन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कोल्ड आइसोटोन। अब न्यूट्रॉन हमने थोड़ी देर पहले निकालना सीखा था, जैसे मान लीजिए ये दो चीज़ें आ जाए, Mg 12, 24, एल्यूमिनियम 13, 27, भाई इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 11, 12, 13, न्यूट्रॉन ऊपर वाले में से माइनस करते जाओ, 12, 12, 14, इलेक्ट्रॉन चार्ज देखो, चार्ज सभी पे जीरो है, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही आ गया, सिंपल, ये। अब देखो ये जो दो हैं 12 and 12, दीज आर कोल्ड आइसोटोन्स, ये दोनों किसका एग्जांपल हो गया, आइसोटोन। आपको प्रोटॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना,
न्यूट्रॉन निकालना आता है, इसका मतलब आपको प्रोटॉन निकालना आता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो आपका क्या हो जाएगा, आइसोटॉप। सेम नंबर ऑफ ए है मतलब मास नंबर सेम है, आइसोबार। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटॉन। तो इस तरीके से आपको चारों में आ जाएगा यदि आपको ये निकालना आ रहा है। तो लास्ट बचा है आइसोडाइफर बोलते हैं, आइसोडाइफर वो क्या है, हैविंग सेम नंबर ऑफ एन माइनस पी, हैविंग सेम नंबर ऑफ एन माइनस पी। आइसोडाइफर लिखें, द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ एन माइनस पी, सेम नंबर ऑफ एन माइनस पी। एन फाइंड आउट करो, पी करो और माइनस कर दो। जैसे पिछला ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, एन ने 11, 23, एम जी 12, 24 एंड एल्यूमिनियम 13, 27। प्रोटॉन बताना है, न्यूट्रॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन तो जरूरत ही नहीं है, और एन माइनस पी भी निकाल लेते हैं। इसमें 11 है, इसमें प्रोटॉन 12 है, इसमें 13 है। इसके अंदर हम देखें कितना है, 12 आ जाएगा, इसके अंदर भी न्यूट्रॉन 12 आ जाएगा, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, 14। एन माइनस पी, 12 माइनस 1, 1 आ जाएगा भाई, 12 माइनस 2, 0 आ जाएगा, 14 माइनस 13, 1 आ जाएगा। तुम देखोगे ये दोनों आइसोडाइफर है, क्या है, आइसोडाइफर, हैविंग सेम नंबर ऑफ एन माइनस पी, एन माइनस पी सेम होना चाहिए, ठीक है, ना इसमें एन सेम है ना पी सेम है, एन माइनस पी सेम होना चाहिए, आइसोडाइफर। तो दोबारा आपको बता दूँ, आइसोटॉप सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसोबार सेम नंबर ऑफ मास नंबर, एंड आइसोटोन सेम नंबर ऑफ एन माइनस पी। दोनों का एन माइनस पी, इसका निकालो और इसका निकालो, यदि एन माइनस पी की वैल्यू सेम आ जा रही हम उसको बोलते हैं आइसोडाइफर। आप एक एक एग्जाम्पल और सभी का लिख के देखेंगे, अपने आप से पास से एलिमेंट आपको आइडिया है, थोड़ा और आपको समझ में आ जाएगा। ये था डिफरेंट टाइप का जो स्पीसीज डेफिनेशन वगैरह हैं वो हमने जो लिखी है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट अपने जो काम आता है वो आता है आइसोटॉप, क्या रहेगा, आइसोटॉप। एक्चुअल में क्या होता है कि जो मास नंबर होता है, मास नंबर, जैसे इसी की बात करूं, जैसे एन ने 11 एंड 23, जो ये 23 है इसको क्या बोलते हैं, इसको मास नंबर बोलते हैं, मास नंबर। और किसके बराबर होता है, ये होता है न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर। अब ठीक है, ये तो इसका मतलब ये इंटीजर रहना चाहिए भाई, एक प्रोटॉन हो सकता है, दो हो सकता है, पाँच हो सकता है, प्रोटॉन को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, आगे इंडिविजुअल बोलते हैं, आगे डिविजिबल नहीं है। तो दिक्कत ये आती है, फिर कई बार फ्रैक्शनल नंबर कैसे आ गया, 35.5, ये कैसे हुआ 35.5। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मास होता है, क्या होता है, एवरेज एटॉमिक। कोई चीज़ एक से ज़्यादा आइसोटोप में एग्जिस्ट कर रही है तब हम डिफाइन करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। कोई भी मिक्सर होगा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिला दी गई हो तो वहाँ पे हम एवरेज निकालते हैं। जैसे तो मैंने दो एग्जाम दिए, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स, मान लिया 100 का केमिस्ट्री है और 100 का फिजिक्स। केमिस्ट्री में 100 में से तुम्हारा आया 80 तो बोलोगे 80%, फिजिक्स में मान लिया तुम्हारा आया 100 में से 90 तुम बोलोगे 90%। एवरेज क्या है तुम्हारा, ओवरऑल परसेंटेज तुम कैसे बोलोगे, टोटल नंबर डिवाइड, टोटल नंबर जो तुमने लिया 80 प्लस 90, दैट इज इक्वल टू 170 डिवाइड बाई टोटल मार्क्स 200, तो आप निकालोगे आपका परसेंट आ गया 85%। ऐसे ही आपको एवरेज निकालना होता है, तो लिखें एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एवरेज एवरेज एटॉमिक मास लिखें, व्हेन एनी एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन मोर देन वन आइसोटॉप, मोर देन वन आइसोटॉप, देन वी डिफाइन एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। जैसे बोरोन है, बोरोन 5, 9 में भी एग्जिस्ट करता है, एंड बोरोन 5, 10 में भी करता है, दोनों आइसोटॉप है। आपको दिया गया ये 90% है और ये आपका 10% है, 100 एटम ले लूँ तो 90 एटम तो इसमें मिलेंगे और 10 एटम इसमें मिलेंगे। मैं मास कैसे निकालते हैं, एवरेज मास, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एटम, एवरेज तो ऐसे ही निकलता है। बात रहेगी किस में देगा आपको, वो परसेंटेज में देगा, परसेंटेज का मतलब टोटल तो 100 हो गया, 10 ये है 90 ये है, इसके हिसाब से एक एटम का मास कितना है 9, इसके हिसाब से एक एटम का मास कितना है 10, ठीक है, तो निकाल दो
एवरेज एटॉमिक मास आपको चाहिए इसी क्वेश्चन में, ये बोल रहा है 90 एटम ऐसे हैं, वो बोल रहे हैं 9 है, चलो 9 × 90, ये तो इनका मास हो गया। ये बोल रहा है कि एक एटम का 10 है, कितने एटम है तुम्हारे पास ऐसे, 10 × 10 डिवाइड बाई टोटल एटम कितने हो गए, टोटल तो परसेंटेज में हमेशा 100 ही लोगे अपने नीचे। अब इसको सोल्व करना बस, ठीक, अब यह 100 हो जाएगा और यह आपका 9 × 9 810 हो जाएगा, 801 ये हो गया और 100 ये, ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया 900, 10 तो ऊपर से और डिवाइड बाई 100 से करोगे 9.1 आ जाएगा। एटॉमिक मास है तो क्या यूनिट आ जाएगी, AMU, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल एटम। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल मैथ। 90 एटम बोल रहा है ऐसे हैं जो बोलते हैं कि जो आपका एटम का मास है वो 9 है, 10 एटम ऐसे हैं जो बोल रहे हैं 10, तो टोटल मास निकाल दो। ये एटम कितने हैं, 90, एक एटम का 9 तो 90 एटम का 9 × 90 प्लस एक एटम का 10 है, कितने एटम होगा 10 डिवाइड बाई टोटल। कई बार आपको 3 आइसोटोप में एग्जिस्ट करेगा, 2 की परसेंटेज देगा, तीसरे की नहीं देगा, तो अपने आप आ जाएगी टोटल, तो परसेंटेज कितनी होगी 100, मान लिया 3 हो, एक 70% हो, एक 10% हो, तो 80, तीसरा कितना बच जाएगा 10%, ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। आपको रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो, क्या आपको एवरेज देके परसेंटेज कंपोजिशन बोलेगा, परसेंटेज अबंडेंस या कंपोजिशन बोलते हैं कि ये जो नेचर में एग्जिस्ट करता है 90% ऐसा और 10% ऐसा। जैसे देखिए इसी के अंदर हम एक और निकालते हैं, आयरन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, Fe56, Fe55 एंड Fe54, ठीक, इसका 90% है, इसका 5% है, इसका भी 5% अपने आप एटोमेटिक आ जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास, ये एवरेज है भाई, फुल फॉर्म लिखा है, ठीक, कैसे सोल्व करेंगे, टोटल एटम कितना है 100 है, टोटल मास 90 एटम ऐसे हैं जिनका 56 होता है, तो मास कैसे निकालोगे, 56 × 90, 90 एटम ऐसे हैं जिनका एक एटम का 56, तो 90 एटम ऐसे बोल रहा है ऐसे होंगे, ये बोल रहा है 55, और कितने एटम है तुम्हारे पास, 5 है, 55 × 5 प्लस 54 × 5, ठीक, सोल्व करें और इसको नहीं लिखते, जैसे ये स्टार्टिंग वाला है आपका 56 × 90, ये आपका 5040 प्लस ये आपका 5 और ये आ जाएगा, ये आपका 20 और 22, ठीक है, कैलकुलेशन फिर भी आप चेक भी कर लेना, और डिवाइडेड बाई आपका 100 है ही, यहाँ से आप सोल्व करके निकालोगे 55.35 आ जाएगा। तो आयरन का जो 55.35 है वो क्यों है, क्योंकि आयरन ना तो इसमें एग्जिस्ट कर रहा ना इसमें, पूरा जो दुनिया में आयरन है उसमें यदि मैं एटम निकालूं, 100 एटम यदि मैं लूं कोई भी रैंडम 100, उसमें से 90 एटम ऐसे मिलेंगे, 5 ऐसे मिलेंगे और 5 ऐसे मिलेंगे, ठीक, तो इस तरीके से आपका ये मिलता है। कैलकुलेशन आप फिर भी चेक कर लेना, कैलकुलेशन वगैरह ये छोटा मोटा पार्ट है, ये तो आप वैसे भी कर लोगे। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाल, इस पे IIT पे भी क्वेश्चन आया हुआ, IIT में यही सेम क्वेश्चन तुम देखो 2009 में आया हुआ है, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो बहुत सिंपल है तरीका होता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरीन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म दैट आर Cl35 एंड Cl37, इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, then find percentage of each isotope in the nature, percentage of each isotope in the nature, आपको बोल रहा है कि एवरेज ये है कितना कितना रहा होगा, ठीक है, 2 आइसोटोप हैं, इसको मान लो मैं कि x परसेंट होगा तो ये 100 माइनस x होगा, यही है एवरेज 35.5, कैसे निकालते हो, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल, यहाँ तो 100 ही लिखते हो, ये बोल रहा है कि x एटम ऐसे होंगे जिनका 35 होगा, तो टोटल मास निकालो 35x × 37 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस x, अब इसको यहाँ से 35 × 50 35x प्लस 3700 माइनस 37 ऑफ x, इसको इधर लेके आओगे आपका नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, इधर से ये नेगेटिव में आया माइनस का,
150, that is equal to minus का 2x, x की वैल्यू आ गई 75%, मतलब 75% तो 75 आ गया, परसेंट यहाँ लगाओ 75 तो ये है तो 25% ये है, मतलब आपको यदि 100 रैंडम कोई एटम उठाओगे 35 के उस 37 के तो 35 के कितने मिलेंगे 75 और इसके 25, तो आपसे रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकता है परसेंटेज में, ठीक है। कई बार आपको फ्रैक्शन दे देगा, परसेंटेज 100 में से डिफाइन होती है, फ्रैक्शन 1 में से होता है। अब यदि ये टोटल एटम 1 बोल दूँ, 1 होगा तो इसका 0.75 होगा और इसका 0.25 होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन में आ जाए तो नीचे एटम आप 1 लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप 0.75 लोगे और यहाँ 0.25 लोगे, मतलब 100 से डिवाइड ऊपर 100 से डिवाइड नीचे, बात तो वही रहेगी। फ्रैक्शन में वैसे देता नहीं है, दे दिया जाए तो आप इस तरीके से निकाल